सो या गाइस दिस इज माय टुडेस व्लॉग। ईद मुबारक खान। ईद मुबारक। और कैसी गुजर रही ईद? ईद मुबारक। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। दिस इज सईद आयशी एंड यू आर वाचिंग माय YouTube चैनल। होप यू गाइस आर फाइन फैंटास्टिक, मजे में होंगे एंड वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। भाई तमाम लोगों को अगेन दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। आप लोग मुझे देख रहे हैं डेली, और भाई सीन इस तरह का है कि आज है ईद डे वन और हमारे यहाँ जो है वो भाई गेस्ट आते हैं, और आप अमूमन आप लोग के घर पे भी होता होंगे या तो आप लोग जाते होंगे किसी के यहाँ या रिलेटिव आपके घर पे आते होंगे। तो ईद के डे वन ऐसा होता है कि फसान के तमाम दतियाल वाले हमारे घर पे आते हैं। अभी आपको बैल की आवाज़ आई होगी, जो गेस्ट हमारे वो आने लगे हैं और मैं हो गई हूँ टोटली रेडी, फजान भी रेडी हो गए, शाने दारा जो है वो सो रही हैं। तो शाने दारा को इंशाल्लाह उठाते हैं, रेडी करते हैं एंड देन इंशाल्लाह ताला आपको दिखाएंगे हमारा व्लॉग का सीन। स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हिट द बेल आइकन एंड लेट्स स्टार्ट। सो या गाइस दिस इज माय टुडेज व्लॉग। We are in white. So yeah guys, Shane is ready. Shane make a hi. Eid Mubarak. Do you like this? Eid Mubarak. Eid Mubarak. Mashallah, someone is looking so nice. Stand up. Received an amazing parcel from Stylo, and this perfume name is Verdict for Man. And personally, I love the perfume, जो unisex हो या man के हो। इसको जल्दी से unbox करते हैं। Camera दिखाइए। Bismillah, don't forget to say Bismillah. And they have a perfume. Wow, yeah, lovely. बहुत ही amazing perfume है। थैंक यू शाइलो फॉर दिस अमेजिंग गिफ्ट। क्योंकि सिलसिले तो चलते रहेंगे और अभी जो है मतलब वो फर्स्ट ईदी मिल गई आज के दिन की, और हमारी भी बेटी है, लेकिन जो ये हमारी है ना साहब दादी, आज इनका मूड जो है वो बहुत ही ज़्यादा टर्बल हो गया है। नोरे का मूड आपको सब देखा हूँ और फैजान से ना मंगाऊँ ऐसा कैसे हो सकता है। तो भैया आज भी माशाल्लाह हमने की है ट्रेनिंग। ईद मुबारक फैजान। ईद मुबारक। और कैसी गुजर रही ईद? ईद बहुत अच्छी गुजर रही है हमारी, बहुत जोर से माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने थोड़ा बड़ा लास्ट में ब्लॉग में लिया आज माशाल्लाह फैजान ने बहुत वर्क करवाया, मसरूफ दे दिया। अभी रात में फिर सो के उठेंगे तो अम्मी की तरफ भी जाना है भाई फ्रेश होने के बाद इंशाल्लाह। तो अभी तुम्हारा खाना चल रहा है भाई? इनका फैजान अपना रिवायती तरीके से बिरयानी कौरमा डाल के उस पर ले आए। सो या गाइस, डे वन इज़ अबाउट टू एंड। आई थिंक एंड तो नहीं, अभी जो है वो फैजान के ददियाल वालों की दावत जो है वो ख़त्म हुई है, और रात में इंशाल्लाह ताला जो है वो हम अभी सोने के बाद जाएंगे अपनी अम्मी की तरफ, क्योंकि अम्मी जो है उनकी बीफ बिरयानी जो है ना उसका इंतज़ार रहता है कि यार जल्दी से ईद आए। और बीफ बिरयानी जो एक ईद पे स्पेशल बिरयानी का जायका होता है ना, शीर कुरमे का जायका होता है, वो आप साला साल बना लें वो जायका आपको मिलेगा नहीं ईद जैसा। तो खैर अभी ब्लॉग को जो है वो हम लोग इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, अभी छोटा सा एक लेते हैं नैप ब्रेक।